आज के वीडियो में हम ये कपड़े के झुमके कैसे बनाते हैं इस तरह के डोरी में वो सीखेंगे। तो एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें कपड़ा कितना चाहिए वो मेन तो देखना है। तो देखिए, इतना जो हमने बनाया है ये और डोरी दोनों, उसमें आधे मीटर कपड़े में से बन जाएगा इतना। लेकिन आपको इसमें और झुमके बढ़ाने हैं तो उसमें पौना मीटर एक मीटर इतना कपड़ा लग सकता है। लेकिन हमने जो बताया है वो नाप से और उतने झुमके करेंगे तो आधा मीटर में सब बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये झुमके कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। तो देखिए, ये लटकन वाली, कपड़े के लटकन वाली मतलब डोरी बनानी हो हमें तो सबसे पहले तो एक डोरी बनानी पड़ेगी नॉर्मल। तो ये मैंने आटी वाली वैसे डोरी बनाई हुई है। तो ये डोरी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ऐसी आटी वाली डोरी बनानी है तो। और अगर नॉर्मल डोरी सादी वाली जो रखते हैं वो होगी तो उसमें भी ये बन जाएगा। तो मैंने आटी वाली बनाई हुई है, तो ऐसे पहले एक डोरी बना लेने की जितनी हमें लंबी चाहिए उतनी। तो देखिए, ऐसे मैंने ये डबल डोरी रखी है, ये 50 इंच के ऊपर की है, 50 इंच के आसपास, क्योंकि 25-30 इंच हमें नॉर्मल डोरी पीछे बांधने के लिए चाहिए होगी। देखिए, यहाँ से नाप के दिखाता हूँ, तो ये 25 × 50 इंच ही है, और बाकी का झुमके करने के लिए और लंबा इतना हमें चाहिए होगा। तो ये कितना है, ये 24 इंच है, तो ये 26 इंच की डोरी रहेगी हमारे पास। और ये 24 इंच का हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, तो ये एक डोरी है, ये डबल रखी है, तो इसको हम नापेंगे, तो ये 11.5-23 इंच है, 11.5 मतलब 23 इंच, और ये बाकी का जो बचा है वो 27 इंच के आसपास होगा, लेकिन वो कटते कटते 26 इंच तक हो जाएगी। तो ये नॉर्मल डोरी पीछे बांधने वाली है। तो अभी क्या करना है इसके झुमके बनाने के लिए, कि ये कपड़ा हमारे पास था तो उसमें से हमने ये स्क्वायर पीसेस कटिंग कर लिया है चौरस। तो इसका नाप मैं बताता हूँ आपको, ये 4 इंच के दोनों साइड 4-4 इंच है, 4.25 है, मतलब 4 1/4 चलेगा, 4.5 भी चलेगा, तो 4.25 1/4 के आसपास स्क्वायर टुकड़े ऐसे हैं। तो हमको जितना भी झुमका बनाना है कपड़े का उतने कटिंग कर लेने हैं। तो हमको क्या है कि ये 4 इसमें लगेगा, 4 सभी में 4-4 लगाएंगे हम। अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो और ज़्यादा लगा सकते हैं, और ये 2 की जगह और 5 डोरी भी कर सकते हैं आप। लेकिन हम 3 डोरी रखेंगे और तीनों में 4-4 झुमके लगाएंगे। तो कैसे लगाना है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये एक बड़ी वाली डोरी है उसमें लगा लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर है उसको यहाँ से फोल्ड कर देना है, और इसके डोरी यहाँ पे रखनी है ऊपर एकदम, और फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है, और इसको यहाँ से क्या है कि ये यहाँ से स्टिचिंग हम लेंगे ना तो यहाँ से कॉर्नर निकलेगा बन जाने के बाद। तो कॉर्नर ना निकले इसके लिए इसको इतना हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो ये राउंड हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमें स्टिचिंग लेनी है इसमें झुमके में। पहले एक पहला एकदम नीचे करना है, और ये जहाँ तक डोरी है वहाँ तक ऐसे स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, डोरी तक स्टिचिंग लग जाने के बाद क्या करना है, ये डोरी में ऐसे आडा कर देना है इसको, कपड़े को इस तरह से स्टिचिंग आडी लेनी है। देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, जितने में डोरी है उतने में ऐसे आडा टाँका लेना है, बाकी ये ऐसे क्रॉस लगानी है। अब क्या करना है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है, और साइड से भी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो उसको भी थोड़ा कटिंग कर देना है, और यहाँ से धागा कटिंग कर देना है। तो देखिए, ये एक मैं सिर्फ सीधा करके दिखाता हूँ, वापस इसको उल्टा ही रखना है हमें, सीधा नहीं करना है। तो देखिए, ये नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे झुमके टाइप बन गया अभी, लेकिन इसमें डिज़ाइनर करना है तो इसको वापस ही उल्टा रखते हैं हम, तो इसका नाप हमें पता चलेगा कि कहाँ तक दूसरा झुमका हमें करना है। तो दूसरा ऊपर करना है इसके, तो इसमें क्या करना है, इसको यहाँ से वापस फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर रखेंगे इतना ऊपर, और इसको यहाँ से फोल्ड करके इसमें भी जैसे इसमें स्टिचिंग लगाई है वैसे ही इसमें स्टिचिंग लगानी है। इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके फिर स्टिचिंग लगाएंगे इसमें, जैसे इसमें लगाई है वैसे ही लगानी है। लेकिन इसमें क्या करना है कि कटिंग नहीं करना है, ऊपर से डोरी को ऐसे ही रखना है, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक इसको झुमके को आने देना है, तो ये हमारा नाप हो जाएगा एक, और इसमें भी ऐसे आडी स्टिचिंग लगानी है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से काटना नहीं है, सिर्फ यहाँ से जो धागे वागे निकल रहे हैं उसको कटिंग कर देना है। देखिए, ये दूसरा हो गया,
अभी दो और ऊपर लगाने हैं इसके, उसको भी इसी तरह करके लगाने हैं। देखिए वो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से करके ऐसे इसी तरह पे करते जाना है। जितना आपको 5-6-7 ज़्यादा लगाना हो तो भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगाना है तो इसका गैप आप कम भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा इस तरह खींच के डोरी को इधर ऊपर ले जा सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये इस तरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके पास में ही रख रहा हूँ, तो हम इस तरह ही करेंगे पूरी डोरी में। तो ये 3 हो गया और एक और लगाना है 4, तो चौथा भी लगा के बाद में दिखाता हूँ कि सीधा करके कैसा लग रहा है। ये देखिए ये चारों हमारे झुमके इसमें लग गए हैं। अभी इसको क्या सीधा कर लेना है, इस तरह से यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, चारों चार को सीधा कर लेते हैं। वैसे अभी ये चौथा है उसको सीधा नहीं करना है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए एक बार कर देता हूँ, बाद में वापस ऐसा होगा तो उल्टा कर लेंगे। तो देखिए ये नॉर्मल वाले ये एक डोरी में हो गए 4 ऐसे झुमके। अभी क्या करना है कि दूसरी ये वाली हमारी पास डोरी है उसमें भी दोनों साइड यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ ऊपर से कटिंग नहीं करना है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 4-4 झुमके लगा लेने हैं, इसमें जैसे लगाए हैं वही तरीके से। तो पहले इसमें मैं लगा लेता हूँ, और ये ऊपर वाला एक लास्ट है उसको वापस से उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ये डोरी यहाँ पे लगाएंगे हम। तो चारों इसमें भी ये डोरी में भी ऐसे 4-4 झुमके मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए तो ये हमारी दूसरी डोरी में भी दोनों साइड ऐसे झुमके मतलब लग के रेडी हो गए हैं कपड़े के, और इसमें तो हमने लगा दिए थे, एक उल्टा रखा था। तो अब क्या करना है कि नीचे से इसको या तो ऊपर से यहाँ से बराबर रखना है दोनों झुमके को, और ये जहाँ मिडल आ रहा है इसका वो मिडल को इसके साथ यहाँ पे रख के यहाँ पे टांका लगा देना है। देखिए देखिए ये टांका लगाने से ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अभी क्या करना है कि इसको ये वाला जो झुमका है उसको इसको सीधा कर लेना है ऐसे। देखिए तो ये एक डोरी हमारी बन के रेडी हो गई है ऐसे। तो ऐसी सेम दूसरी बना लेनी है, और दोनों बन जाने के बाद मैं आपको ब्लाउज में लगा के दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी दिखती है और आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत सब लोग। और इसमें एक ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है वो बड़ा ही रखना है, 4-4, 4.5 इंच तो कम से कम रखना है। छोटा रखेंगे तो इसका लुक नहीं आएगा, आप बड़ा रखना चाहें तो थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। तो चलिए एक और दूसरी बना लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कैसी दिख रही है। देखिए तो ये हमारी दोनों डोरी बन के रेडी है झुमके वाली। तो अब क्या करना है, इसको हमें ब्लाउज में लगाना है, लेकिन लगाने से पहले क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है दोनों को इस तरह से ऊपर तक। तो लंबा छोटी अगर हो कोई तो जो लंबी हो उसको ऐसे कटिंग कर देना है, ये मैंने पहले से ही कटिंग कर दिया था, लंबा छोटी थी तो ऐसे एकदम दोनों बराबर नाप की कर लेनी है, और फिर इसको हमें अब ब्लाउज में लगा देना है। तो ब्लाउज में लगा के देने के बाद दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखिए तो ये डोरी ब्लाउज में लग चुकी है, तो कुछ इस तरह का लुक आएगा इसमें, और ज़्यादा और लटकन करेंगे तो और ज़्यादा इसमें आ सकता है। और भी दो डोरी लंबी बनानी हो तो बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा झुमके करने तो वो सब कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। थोड़ा आपको ब्रॉडर आइडिया है इसके लिए ये वीडियो में बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।